और अभी तक कोई मुझे ये मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ सकते। जो बोलता हूं वही करता हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो मैं बोलता हूं वही होता है। और इसलिए डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहे, ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और विकास का कमल खिलेगा। और इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि राजस्थान का विकास करना है। बहनों और भाइयों, रोड की बात मैं नहीं करूंगा। 50,000 करोड़ की लागत से 6,300 किलोमीटर काम पूरा हुआ। 35,000 करोड़ की लागत से 2,531 किलोमीटर पूरा हुआ। 50,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर का डीपीआर बन रहा है। 23-24 में 41,000 करोड़ की लागत से 3 ग्रीनफील्ड रिंग रोड बन रहे हैं। राजस्थान में करीब 15,000 करोड़ की लागत से 23 बाईपास रिंग रोड बना रहे हैं। और सेतु भारतम में 440 करोड़ की लागत से 15 आरओबी का निर्माण हो रहा है। सेतु बंधन में 700 करोड़ की लागत से आरओबी बन रहे हैं। हम राजस्थान में कोई काम रखेंगे ही नहीं रोड का। मैं तो यहाँ अभी मुझे स्टेज पर मिले हुए काम को वही मैंने रिमार्क लगा के मंजूरी कर दी, और जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये जितने नेता बैठे हैं ये मेरे को एक भी कागज नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए कोई काम ही बाकी नहीं रखूंगा। बहनों और भाइयों, आपके यहां कपास लगती है, हमारे यहां कपास लगती है, पर कपास के कारण हमारे यहां किसान आत्महत्या कर रहे। 10,000 रुपए 12,000 रुपए क्विंटल तक भाव गया था, अब 4,000 और 5,000 रुपए पे आया। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। अब तेल बिया की भी कीमत कम हो रही है, सोयाबीन सरसों उसके भी भाव कम हुए हैं। और इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है। पर मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दो अच्छे मौके दिए। उन्होंने मुझे ब्राजील भेजा था, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, और मैं इथेनॉल लेके आया। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर कहा था, नितिन तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाए, हाईवे बनाए, अब देश के किसानों का कल्याण करने के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवाजी थे, वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपी। और मुझे मेरा ये परम भाग्य है कि इस देश की सबसे फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। राजस्थान के कितने गांव में रोड बने हैं? अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये रोड कौन बनाता? भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत खुशी जताई, और उस समय मुझे कहा कि राजस्थान के इन गांवों को भी योजना में डालो। बहनों और भाइयों, गांव को रोड बनेंगे तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, गांव के रोड बनेंगे तो फल फूल सब्जियां निश्चित रूप से मार्केट तक शहरों तक जाएगी, गांव का विकास होगा। और इस देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने किया। और इसलिए आज गांव में रोड दिख रहे हैं। पर बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच लाई है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा किसान ऊर्जादाता होगा। आपको पता होगा कि गन्ने से
गन्ने के जूस से इथेनॉल बन रहा है, शीरा से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है, हमारे यहाँ राइस कट राइस से इथेनॉल बन रहा है, बाजरी गेहूं मक्का ज्वारी से इथेनॉल बन रहा है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालने की शुरुआत हुई है। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 दिन पहले टोयोटो कंपनी की गाड़ी इनोवा मुझे लॉन्च करने का मौका मिला, वो 100% किसानों ने बनाए हुए बायो इथेनॉल पर चल रही है, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल खर्चा होता है। तो पेट्रोल का भाव अगर एवरेज के हिसाब से निकाला जाए जो 120 लीटर है, वो 25 रुपए लीटर आ जाता है। इथेनॉल से प्रदूषण नहीं होगा, इतना ही नहीं तो आपके नजदीक पानीपत में ये जो परली है, इससे 1,00,000 लीटर इथेनॉल बनाने का प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का, 150 टन बिटुमिन तैयार हो रहा है। और मैं जो बोल रहा हूं मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं कि लोगों को बहुत समय के बाद ध्यान में आती है। बहनों और भाइयों, वहां जो एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है इथेनॉल से, परली से इथेनॉल, गन्ने के जूस से इथेनॉल, और उससे 2% वो बायो एविएशन फ्यूल में डालकर इस देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर चलने वाले हैं, वो दिन अब दूर नहीं है। हीरो बजाज टीवीएस की स्कूटर आ गई है। अभी इंडियन ऑयल के चेयरमैन को मैंने बुलाकर कहा कि हर गांव में इथेनॉल के पंप खोलो, अब आपके बेटे की स्कूटर और मोटरसाइकिल किसानों ने बनाए हुए इथेनॉल पर चलेगी। किसान समृद्ध संपन्न हो गए, देश का 16,00,000 करोड़ का इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा, ये पैसा गांवों में जाएगा, किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा, कृषि विकास का दर बढ़ेगा और हिंदुस्तान की तरक्की होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा और मोदी जी का सपना पूरा होगा। मेरे घर पर एक गाड़ी है, वो हाइड्रोजन पर चलती है। मेरा सपना है कि किसान अपने कुएं पे पानी निकालेगा, ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन ट्रक और बसेस में कार में डाला जाएगा, किसान का गैस स्टेशन होगा और ये किसान कपास चावल गेहूं पैदा करने वाला नहीं तो हाइड्रोजन को तैयार करने वाला होगा और करोड़ोंपति बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद 3 चीनी मिले चलाता हूं, मेरे साथ 70,000 एकड़ गन्ना है, किसानों में काम करता हूं और अभी तक कोई मुझे ये मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ सकते, जो बोलता हूं वही करता हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं और जो मैं बोलता हूं वही होता है। और इसलिए डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहे, ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और विकास का कमल खिलेगा। आज किसान की प्रगति और विकास के लिए अन्नदाता, ऊर्जा दाता, बिटुमिन दाता और अब हाइड्रोजन दाता, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये गेहूं चावल मक्का बाजरा लगा के तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती, कितना भी उत्पादन निकालो भाव कम हो जाता है, कम निकालो भाव ज्यादा होता है। अब बहनों और भाइयों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये देश की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है,